नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। इस वक्त अगर कहा जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही काम हो रहा है और वो है भारत को गाली देना। पाकिस्तान की जनता से लेकर लीडर और हुक्मरान सभी एक साथ एक सुर में भारत को गाली देने का काम कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के कुछ काबिल और दुनिया की राजनीति करने वाले लिबरल लोग पाकिस्तान के गलत ट्रैक पर जाने से नाराज हैं और पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इसमें सोशल सेक्टर, आर्थिक मामलों के जानकार और राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। इसी तरह के एक लेखक, कॉलमनिस्ट और इस्लामिक विद्वान हैं हसन निसार, जो पाकिस्तान के हर मामले पर अच्छी पकड़ रखते हैं और लिखते पढ़ते रहते हैं, टीवी डिबेट्स में भाग लेते हैं। जियो टीवी पर उनका आने वाला प्रोग्राम जिसका नाम है मेरे मुताबिक, इसमें हसन निसार आज की राजनीति को लेकर काफी गुस्से में दिखे और एंकर के एक सवाल पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की औकात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है और इमरान खान बहुत बड़ा बेगैरत आदमी है, दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं करता। पहले आप हसन निसार साहब की बाइट सुनिए। ओ यार, ये दो नहीं छिछोरे हैं बेसिकली, ये जो एलिमेंट है ये काबिल जिक्र बात ही नहीं है। देखो, अपनी किस्म का जितना वो फोड़ गया, जहांगीर तरीन ने अपना जहाज दे दिया हुआ था, ये क्या बात हुई। MBS के लिए जहाज ऐसे ही है जैसे मेरे लिए शायद कोई करोला हो या इस तरह। कोई किसी को अगर गाड़ी दे दे तो ये खबर, ये हम जैसी कौम में ही ये खबर बन सकती है। अच्छा, फिर ये जो कह रहा है कि नहीं लेना चाहिए खुददारी, बस क्या छछोर पाना है। वही इमरान खान के संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने से पहले सऊदी अरब में उमरा करने पर भी हसन निसार ने आड़े हाथों लिया और कहा कि इमरान खान एक मक्कार आदमी है, राजनीतिक उमरा करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। सऊदी अरेबिया में उन्होंने उमरा फरमाया था जी, वहां वो सियासी उमरा। ये अच्छा, जो भी इक्तदार में आता है ना वो भागता है वहां, उसका ख्याल पता क्या होता है उसके दिमाग में, नहीं तो बैक ऑफ हिज माइंड ये बात होती है कि यहाँ काबा के गिर्द चक्कर लगाने के बाद जो चक्कर मैं लोगों को दूंगा वो माफ हो जाएंगे। ये नहीं होने, पहली बात। अच्छा, मैं तो मांगे पे भी मशवरा नहीं देता, कीमती होता है बहुत। मैं बिन मांगे मशवरा दे रहा हूँ एक इमरान खान को कि स्क्रिप्ट से, लिखी हुई तकरीर से बाहर ना जाए, मशवरा है। अच्छा, वही एक सवाल के जवाब में हसन निसार फरमाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ताकतवर इंसान है और एक ताकतवर मुल्क का नेता है। यहाँ तो रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं, आप अपनी इज्जत से कोई चीज नहीं बेच सकते क्योंकि आपकी यही औकात है। ट्रंप कैन अफोर्ड इट, जो दिल में आए कह दे। हमारा डोनाल्ड ट्रंप माड़ा है, रोकड़ा नहीं है, वो सुपर पावर का डोनाल्ड ट्रंप है। ही कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, वी कैन नॉट। हमारी तो औकात ये है कि हम अपने नान की कीमत का तय्यन खुद नहीं कर सकते। ये हैसियत है, हमने इस मुल्क का कौन सा सासा रखना है, कौन सा बेचना, ये तुम्हारा वजीर खजाना नहीं कर सकता, तुम्हारा वजीर आजम नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं कि खुद पाकिस्तानी भी इमरान खान को सलाह दे रहे हैं कि आपकी औकात क्या है और आप क्या हैं। अगर ये सब कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर की माली हालत ठीक करें, फिर कुछ सोचें, क्योंकि घर में कुछ नहीं है और लोग भुखमरी के शिकार हैं और महंगाई चरम पर है। ऐसे में किसी भी शक्तिशाली देश से मुकाबला करना ठीक नहीं।